सत श्री अकाल जी आयानु, यू वॉचिंग पंजाब 2000 विद उपेंद्र रंधावा। वी ऑलवेज ब्रिंग यू सम ऑफ द फैंटास्टिक ग्रेट नेम्स इन द इंडस्ट्री, इन द बिजनेस, फ्रॉम द वर्ल्ड। टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेलिक एंड अ पंजाबी सूफी आइकॉन, वन एंड ओनली हंसराज हंस। हंसराज हंस जिन्हां दे नाम दे विच ही राज लगदा है, जिन्होंने कि पंजाबी गायकी, सूफी गायकी दे विच राज कीता है और कर रहे ने, और आने वाली पीढ़ियाँ जरूर ये जड़ियाँ चीज़ा ने इन्हों सुनगियाँ, देखनगियाँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो वी आर वेरी लकी टू हैव हंसराज हंस जी हियर विद अस एट पंजाब 2000। भाजी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी आयान जी। बड़ी मेहरबानी जी, तुहानू भी सत श्री अकाल, सुनने वाले नू भी सत श्री अकाल, आदाब नमस्कार। सब तो पहला थैंक्स अ लॉट क्योंकि तुम अज सवेरे ही पहुंचे हो तो मेरे ख्याल थोड़ा चाहे टाइड भी होने पर आँदे सार ही तुम इंटरव्यूज के वास्ते रेडी हो। हाँ, 6:30 मैं एयरपोर्ट से बर्मिंघम और फिर दस्या कि तुम आ रहे सारे मित्र मेरे, तो कहते बाग बहारा तो गुलजारा बिन यार किसकारी, यार मिलन मिट जावन दुखड़े यारा नाल बहार। तो कहने का मतलब है कि इस कैमरे के जरिए और इस माइक के जरिए, ताड़ी गुफ्तगू के जरिए हज़ारां लखां लोकां तक गल पहुँचती है। तो मैनू तो यह है कि गाने दे बहाने एक दूजे का दुख सुख, एक दूजे का हाल चाल पुछ लिया जाए। कहिंदे हिजर तेरा जे पाणी मंगे, हिजर तेरा जे पाणी मंगे ते मैं खूह नैणा दे गेड़ां, अज दिल करदा तेरे सामने बैठ के दर्द पुराने छेड़ा। वाह क्या बात है। सो पुराने दर्दां दी गल जे आपां छेड़िए ते हंसराज हंस, जदों हंसराज हंस ने एक सफ़र अपना शुरू किया, मैं अजे भी याद आ, मैं बड़ा आई वॉज़ अ वेरी यंग किड, तो ऑस्ट्रेलिया दे विच मेलबर्न दे विच मैं थोड़ा एक लाइव शो देखिया सीगा। उस तो बाद काफ़ी होर शोज़ थोड़े देखने का मौका मिले ऑस्ट्रेलिया दे विच भी, इंडिया दे विच भी, तो इंग्लैंड दे विच भी। एक जिहड़ी चीज़ मैं हमेशा मैं नोट की आ कि जेकर कुछ चेंज आई होवे तो यह चेंज आई हुई है कि हंसराज हंस जी की जिहड़ी गायकी आ वह बेहतरीन बेहतरीन होर बेहतरीन हो गई आ। इहदे वास्ते की राज आ, क्योंकि आम तौर पर यह सोचा जाता कि शायद एक सिंगर का एक सिर्फ एक पीक टाइम हुंदा आ, उन्हें 4-5 साल 10 साल गा लिया फिर खत्म, फिर नवे आ जाते हैं, पर थोड़ी गायकी तो थोड़ा वो जी जो थोड़ा लहजा आ, थोड़ी चीज़ बरकरार रहने दे, इहदे पिछे की राज आ? सब तो पहले सारिया सिफतां रब सोने जिदे जिन्हें सन जोड़ा साढ़े बोलता, जिन्हें क्रिएट की सारिया चीज़ा इंसान तो मेरे ख्याल जोड़ा ये पोर्शन है ना, थॉट प्रोसेस जितों जितों सारा काम शुरू होंगे, जेन दिमाग इदा भी कोई प्रोग्रामिंग करके भेज दिता है। जिन्हों लोगों ने जस कटना हों फिर मेहनती भी हो जाते, डिटरमिन हो जाते, कमिटड हो जाते। बस मेरी वाजे नाल कमिटमेंट हुई है, जितनी देर जिंदा है इनू माजते रहो, इनू देखते रहो। सुर ऐसी चीज़ है, दुनिया च सब तो मुश्किल काम सुर विच गाउणा है। तो बंदा मरन तो पहला भी अगर सुर विच हो गया तो समझो मालक दी खुशी प्राप्त कर ले, क्योंकि जिहड़ा संगीत है मेरे लिए सिर्फ बिजनेस तो है नहीं, मेरे लिए शुरू तो इबादत रहा, तो इबादत करते रहना चाहिए। सो शायद उस इबादत विच्चों फिर एक तो तुसीं अपडेट्स समय दे नाल नाल करते रहने हैं जी, और तुसीं समय आर्टिस्ट उही है जिहड़ा समय दी नब्ज़ नूं भी पछाणे। तो दूजा तुहाडा थोड़ा आवाज़ कलाम, तुहाडी गुफ्तगू बेहतर हुंदी रहिंदी है। मैं पढ़ता रहिंदा तो सुनता रहिंदा, अपने तो चंगियां नूं सुनदे रहिंदा तो वड्डे लोगों नूं पढ़दे रहिंदा, अपना अभ्यास करते रहते। मैंशन किया क्योंकि वाकई एजुकेशन बड़ी जरूरी है, एजुकेशन सिर्फ एक स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने के नाल नहीं आती, दुनिया में लोगों मिलन के नाल वो भी एक वधिया तरह की एक तालीम आ। और मैंशन किया कि तुम पढ़ते बहुत हो, किहोजा लिटरेचर जिहड़ा तुहानू पढ़ना पसंद आ, कि वो सिर्फ एक सूफी लिटरेचर या कि नॉवल या कोई रोमांस? पूरी दुनिया के साहित्य मैं पढ़ता रहना, जिहड़ा पहला किस्सियां कुस्सियां तो शुरू हुए सी, फिर सूफी संतां दे कलाम दा मुतालिया कीता, फिर ये सूफियां दे जिंदगी की हुंदी उह देखिया, उस तो बाद फिर क्लासिक बुक्स है सारे, बड़ा कुछ है पढ़न सुन लई, अच्छा गाउण लई
ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਰਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਰਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋਅਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਲੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡੈਸਟਿਨਡ, ਡੈਸਟਨੀ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਵਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਵਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਅੱਜ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਆ ਗਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼, ਗਾਇਕੀ, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਪੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀ ਟੋਟਲਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਿਆਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਐਟੀਚਿਊਡ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਦ ਦੁਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਦ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਗਾਇਆ,
बहुत वधिया गाने गाए ने, हिट भी होए ने, उहदे नाल नाल तुसीं सूफिज़म भी गाया, पर उहदे नाल नाल तुसीं बहुत वधिया गीत गाए ने जिन्हां च मैसेज सी, जिन्हां चों एक गीत मैनूं हमेशा याद रहिंदा, कुड़ियां तां कुड़ियां ने कुड़ियां दा की है। अज जिहड़ी साडी पंजाबी गायकी आ, अज साडी पंजाबी गायकी इह किधर नूं जा रही है, क्योंकि अज असीं, अज कोई भी जिहड़ा लिखदा, जेकर मैं अज गाणा लिख दवां ना कि किसी के मोढ़े ते, चलो मैं किसी भी जात पात विच नहीं पैंदा, पर किसी के मोढ़े ते काली दुनाली आ जां बंदूक आ काली घोड़ी ते जाके, ते जां मैं ओह कहां भी तैनूं कढ लियावांगे, असीं तेरा विआह नहीं होण दिंदे, इह असीं अज अज किहड़े पासे नूं, असीं साडी पंजाबीयत जां साडा पंजाब जिहड़ा उह जा रिहा। मैं तुहानूं इही अर्ज़ करदा कि इक बंदा बोलदा जदों कहिंदा वी लै वी इहदा माँ प्यो कोई बड़ा वड्डा खानदानी बंदा है, उही बंदा जदों गुफ्तगू करदा ते ओह कहिंदा वी बेगुरा नेगा, कोई गुरु वाला बंदा। ठीक है, हुण मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू तो ही नहीं मुनासिब समझा, अपने आप नूं सवार दे रहना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हुंदा कि अपने कोलों ही गीत गूत लिख के लोग कहिंदे जी ये सूफी कलाम है, और मैनू कई फोन आते जी मैं सूफी टाइप लिखा, बाकी गोली टाइप भी मैं लिख लैंदा फोक टाइप भी लिख लैंदे, उन्हां रब दे बंदिआं नूं इह नहीं पता कि सूफी जिहड़ा आ, सूफी संतां दे कलाम नूं सूफी कहा जांदा, टाइप नहीं हुंदा, टाइप नहीं हुंदा। कल नूं कहणगे असीं गुरबाणी लिख रहे, बाणी बाणी महापुरशां ने, साडे सतगुर साहिबान ने लिखी है जी, बाणी दा मतलब रब्बी बाणी जिहड़ी उपरों इलहाम होया जी, इसे तरह सूफी संत भी उन्हां दा कलाम नूं कहा जांदा सूफी कलाम। हुण उह कहिंदे जी सूफी टाइप मैं लिखिआ, और गोली टाइप लै लो, अपना टकुआ टाइप लै लो, फोक टाइप लै लो। हुण फोक भी तुसीं, फोक भी 50-60-100 साल पुराना साडे जन जीवन नाल जिहड़े ताल्लुक रखदा लोक रंग उहनूं कहा जांदा जी। प्रॉब्लम इही आ कि बच्चिआं नूं कोई ना सिखाउण वाला, ना किसी ने लगाम पाई है, बेमुहारे दौड़ी जांदे आ, क्योंकि वह बच्चे आ। तो इस करके मैं पॉजिटिवली दे दिंदा, मैं कोई गल नहीं, बहुत कुछ हुक्म च ही हो रहा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होने की उम्मीद च रहना चाहिए। की तुम समझते हो कि इतने कितना ना कि जोड़े सीनियर कलाकार ने, उन्होंने मैं कहूँगा तुम हो, या गुरदास मान साहब ने, या मुहम्मद सदीक साहब ने, या होर भी जोड़े सीनियर ने, कि उन्होंने चाहिए कि वह कुछ ना कुछ एक हंबला जिन्हों केंजाबी मारन, तो इन जे अपने साडा नवा जो यूथ आ रहा उन्होंने ये रिक्वेस्ट की जाए कि यहोजे जोड़े सोंगस आ, यहोजी जी गायकी आ, मौसीकी आ, ये तो परहेज़ किया जाए। रंधावा साहब, हमला यही होंगे कि तुम कुछ अज का काम करो जी, तो इंस्पायर हो के वह भी कुछ अच्छा सोचे। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा अजक समझाओगे, एक लड़का सिंगर होंगे भी मुंडे पैसे होंगे दस के इधर दस के इधर, भरावा किसी सलाह दे के बस अपनी पत बचा के रखनी चाहिए, बच्चे अपने प्यारे बच्चे है जी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि कोई उस्ताद कोई गुरु होएगा, गुरु गुरु दस सकता, गुरु भी कामल होवे, दुकानदार ना होवे, जगाड़ी ना होवे, मुर्शिद कामल होवे, तो फिर कामल आमल शामल, कामल मतलब कंप्लीट, आमल मतलब अमल करने वाला, तो शामल मतलब जदों याद करे तो फिर औखी वेले। मैं अपने सतगुरु नूं याद करके जिथे भी गया, पूरी दुनिया के घूमया, ऐसे लोगों अगे परफॉर्म किया जिन्हें अगे अदब का मारा तो मैं मूँह नहीं खोलता, लेकिन जो गाना शुरू किया तो उन्होंने भी प्यार किया, उन्होंने शाबाश दी, कहिंदे हालांकि तू खानदानी गवैया नहीं, तो गुरु के नाम च किन्नी पावर है, तो जे कोई गुरु ही नहीं कोई खसम ही नहीं तो फिर इदा ही बोलना फिर आप, क्योंकि वाकई कहते होंगे नथ खसम हथ, यस वो होना बहुत जरूरी है। नुसरत फतेह अली साहब जेड़े कि मैं पता कि तुम भी उन्होंने बहुत मानते हो और सारे ही मानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता कि एक कंप्लीट गवैया कंप्लीट गायक कंप्लीट इंसान सन, उन्होंने बाद एक थानू बहुत वड्डा खिताब दिता गया राज गायक का, राज गायक का भी थानू फैलोशिप भी मिली अमेरिका दे विच, इन्ने वड्डे मुकाम के उत्ते पहुँच के, क्योंकि पंजाब चो जिस मुकाम ते तुसीं पहुँचे हो कदे कोई नहीं पहुँचा, इहदे च कोई भी शक नहीं, इहदे च कोई भी मेरे ख्याल आर्ग्यूमेंट नहीं, होर किवें दा लगता है, क्योंकि तुसीं जदों पंजाब पंजाबी ते पंजाबी नूं रैप्रजेंट करदे हो उस लैवल दे उत्ते, जां तुसीं कीता कदे अपने आप च थोड़ा बहुत भी माण महसूस नहीं होया भी मैं हंसराज अज कित्थे पहुँच गया?
अमृता प्रीतम ने लिखा कि माण सच्चे इश्क दा हुनर दा दावा नहीं। तो तुसी हाईएस्ट अवार्ड भी हासिल किए, मैं जिवें तुसी जिक्र किया, मेरा ख्याल नहीं कि पद्म श्री नाटक अकैडमी अवार्ड, तीन चार प्रेजिडेंट अवार्ड है, सारे जहान दे अवार्ड, बाहरले मुल्कां च भी, पूरी दुनिया दे विच। लेकिन मैं महसूस करदा वा कि जे तो सिर्फ तुसी दौलत शोहरत दीआं पंडा हल्की शोहरत ते दौलत इक्को जी हुंदी है, इह कचरा ही है। मैं हुण तुसी देखो 15-18 साल बार्डर ते भी लाए, हर साल लोकां नूं इकट्ठे करके पीस और अमन लई उत्थे काम कीता, पाकिस्तान किसे तरह गवांढी साडा मुल्क है, साडे भरा आ, 47 च कुछ इस तरह दा दुखांत होया, दुनिया दे सब तो वड्डा दुखांत 47 दा। ते कोशिश ये कीती है कि कोई सुने ना सुने, ते उधर जाके भी इतनी टेंशन होंदी सी। एक वारी रंधावा साहब मैनू आर्मी की गड्डी च, उधरली आर्मी की गड्डी च बार्डर ते लै आंदा, क्या गा के फटाफट भज्जा भरावा ठीक ठाक अपनी जान। इधरों भी इन्होंने कहा जी डर लगता ना जा, मैं सोचा नहीं, एक मिशनरी बंदे सी, मैं 14 अगस्त नूं पैगाम जरूर देना बार्डर ते जाके, तो उधरली साइड पाकिस्तान वाली साइड तो गेट ते चढ़ के अपने बंदे इधर बैठे सी, मैं क्या ये पंजाब भी मेरा है, आ पंजाब भी मेरा है। सो एक तो उहदे इवज विच अवार्ड शवार्ड मिल सकदे तुहानू, जे सिर्फ तुसी व्याहां शादियां च गाने गा के पैसे इकट्ठे करदे रहे फिर ये अवार्ड नहीं मिलने। पीस और अमन लई तुहानू काम करना पैना, चैरिटी लई भी काम करना पैना। चैरिटी लई तुसी देख लो कि पंजाब च कोई गलबात हुई तो लगे लुगे रहे हैं, फिर गुजरात विच अर्थक्वेक आया तो मैं अमृतसर, उत्थे अमृतसर अच्छा अच्छा शहर याद आया सानू, मैं न्यूयॉर्क विच अमेरिका च ठूठा फड़ के मंगया, क्लिंटन साहब से उदो $2.5 million इकट्ठा करके दिता। सो ये जड़ियाँ चीज़ा मैनु अवार्ड की शक्ल च हासिल हुई, थोड़ा जहा सैक्रीफाइस भी मंग दी, मैं भी चाहता सारी जिंदगी सिर्फ ब्याहां ते गाउंदा जां कमर्शियल शोज़ करदा रहिंदा, मैं चैरिटी लई और पीस और अमन लई खास तौर पर बहुत धक्के तुक्के खांदा रहिंदा कि शायद किसी पॉलिटिशियन दे, शायद किसी रूलर दे एक ख्याल चाज भी ते कतलो गारत बंद होवे। अपने रंधावा साहब जदों फौजी इधरों मरे जां उधरों मरे, मरदा मां दा पोती है साडा भाई है, बाद च परमवीर चक्कर दे दो कख दे दो, लेकिन मावा दे पुत अजाई ना मरन, ये तकलीफ दे है मेरे लिए, मेरे कल्ले ले नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, वो लगे रहिंदे है, वो लगे रहिंदे है। तो एक ना एक दिन मेरी ख्वाहिश है, मैनू लगता है कि असी आप गुआंढी मुल्क मुहब्बत ना रहा करांगे। म्यूजिक हैज़ नो रिलीजन, नो कलर, नो कास्ट, नो बैकग्राउंड, म्यूजिक इज़ अ रिलीजन इन इटसेल्फ। And the man sitting here, the great legendary Hans Raj Hans, is all about music, all about humanity, all about peace, all about love. So I think it's people like Hans Raj Hans Ji that they are here to save the coming generations. They are here to connect us through music, peace, harmony, and that is the best thing. So tuhade vallon jehde tuhade pyar karan wale ne unna nu jehda sandesh oh tusi ki deunge? मेरी गुजारिश है कि काफ़ी सालों बाद मेरे दोस्त ही इदा बैठे से लास्ट ईयर, संजय आनंद साहब मधु रेस्टोरेंट है उन्होंने दोस्त है राज जी, तो ये टूर दोस्ती चो निकलिया, उन्होंने कहा साडा एक काम कार नहीं शो शू करा, एक केज साहब कहते भलिया समय असी जुम्मा चुम्मा कराया सी अमिताभ बच्चन साहब, फिर असी अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई बिल्डर है, वो मुहब्बत विच उन्होंने कहा यार तू फिर तुर के चले जाना सानू चंगा लगता है, लेकिन थोड़े बहुत करिए कुछ, मैं क्या की करना, कहन लगे शो शू अरेंज करते हैं। सो उस सिलसिले विच पहला शो बड़ी देर बाद मैं वुलहैम्पटन सिविक हॉल विच 20 तरीक नूं तुहाडी हाजरी देवांगा, अगर टाइम होवे, बेशक ना होवे आओ जरूर, कड्डो टाइम जरूर टाइम चो टाइम कढ के आओ, तुहानू मज़ा आएगा इंशाल्लाह, जे मालिक ने चाहे तो तुसीं खुश होवोगे। ਭਾਅ ਜੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ
जो मालक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान निहरदा हुक्म उदे बिना वो कख भी नहीं हिलदा ते वाह कुदरत दा वाली जी जोन निगायो दे विच ए हर पत्र हर डाली माली दा कम ओ पानी पौना ते पर पर मशकां पावे उस मालक दा कम फल फुल लौना ते उलावे जाना लावे दुश्मन मरे दी ओ खुशी ना करियो दुश्मन मरे ते खुशी ना करियो ते सजना भी मर जाना ढींगर ते दिन आया मोहम्मद ओड़क नू डुब जाना मैं नीवां मैं नीवां मेरा मुर्शिद उच्चा मैं नीवां ओ मैं नीवां मेरा मुर्शिद उच्चा ते असा उच्चियां दे संग लाई सदके जायो ना उच्चियां दे जिना जिना नीवें नाल निभाई वाह थैंक यू वेरी मच दैट्स वन एंड ओनली हंसराज हंस जी विल लीव यू स्पीचलेस I just have no words now. I don't know what to say. This is just incredible, amazing. True singing, peace, music, and everything. So guys, please, imagine karo je inne kanali, jinu Punjabi ch kehnde hai ke loon kande khade ho jande ne aur thode emotions thodiyan akhaan de vich aa jande ne, thode man de andar thoda man bhar aunda. Te imagine karo jehda live atmosphere jehda aya, jadon ke Hansraj Hans ji utthe baith ke ga rahe honge, tuhanu guarantee hai ke ek alag duniya de vich tuhanu le jange. Without any doubt. So please guys, be there. Keep on supporting Hansraj Hans Ji. And main eh vi kahunga ke sirf Hansraj Hans Ji nahi, inhan de bete vi. Zaroor unhan nu support karo. I'm a huge fan of Yuvraj Hans. Because Yuvi Paji, waqai, hats off to you. Salute to you. Kyunki thode gaane hasaunde vi ne, par yaar ravaunde vi ne. So keep on doing your bit. Because you're making not just your father proud, but you're making us proud as Punjabis around the world. And a very humble guy he is as well. So with Punjab 2000 in the thoughts with my brother Tony, rest in peace brother wherever you are, Tajinder Singh and Upinder Randhawa, keep on watching Punjab 2000, keep on supporting Punjab2000.com. Sat Shri Akal Ji.